लाहौर समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस बंद, फेसबुक ने काम करना छोड़ दिया, इंस्टाग्राम का लिंक भी डाउन रहा, एप्लीकेशन की एक घंटा बंदिश से सार्फिन को राबतों में शदीद मुश्किल। हुकूमत का लाहौरियों के लिए तोहफा, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला, गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक मंसूबे की मंजूरी, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे केनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और बंद रोड से बाबू साबू तक बनाई जाएगी, 813 केनाल अराजी एक्वायर होगी, 11 किलोमीटर तवील ट्रैक बनेगा, ट्रैफिक के दबाव में 65% कमी आएगी, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ दौर में 24 अरब से शुरू होने वाले मंसूबे की लागत 46 अरब तक जा पहुँची। लाहौर बरसात में नहीं डूबेगा, निकासियाब के 2 मेगा मंसूबों में अहम पेशरफ्त, हाजी कैंप ड्रेन और डिस्पोजल स्टेशन के लिए जगह हासिल की जाएगी, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने सेक्शन 6 का निफाज कर दिया। हाजी कैंप से जीवर रावी तक 17 किनाल 4 मरला इराजी एक्वायर की जाएगी, मैकलोड रोड, लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी चौक, शाम नगर रोड और गुलशन रावी से जीवर रावी तक ड्रेन तामीर होगी, मजंग 9 मरला, राजगढ़ 5 किनाल और मौजा नोनारिया से 11 किनाल 14 मरला इराजी एक्वायर की गई, मौजा शेराकोट की 2 किनाल, सांदा कलां से 3 किनाल जगह ली जाएगी, मुतासरीन को आखिरी नोटिस के बाद अवार्ड सुनाया जाएगा। मेट्रो बस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, मेट्रो बस के काफिले में 64 नई बसें शामिल, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इफ्तिताह किया, एक बस में 160 अफराद सफर कर सकते हैं, रोजाना 1.25 लाख मुसाफिरों को फायदा होगा। उस्मान बुज़दार का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का भी दौरा, सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। आवाम को बिजली का 440 वाट का एक और झटका, बिजली 1 साल के लिए 1.72 रुपये फी यूनिट महंगी, औसत कीमत 16.44 रुपये से बढ़कर 18.16 रुपये यूनिट हो गई, आवाम की जेबों से 90 अरब रुपये इजाफी निकाले जाएंगे, इतलाक 300 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों पर होगा, 1 अक्टूबर से आगाज हो चुका, महंगाई का एक और तूफान आएगा, अपोजिशन का बिजली की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द अमल, शहबाज शरीफ ने हुकूमती नाहली करार दे दिया। बाजार में 90 रुपये किलो थी, अब यहाँ पे और ज़्यादा रेट बढ़ गया, 145 रुपये रेट हो गया, कहाँ का रिलीफ मिल रहा है हमको? ये महंगी चीज़ें लेनी पड़ती हैं तो आवाम किधर जाए, गरीब आवाम बहुत तंग है, बहुत परेशान है इस हवाले से हम। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया परचून से भी महंगी, सस्ते स्टोर पर चावल सुपर 140 रुपये, परचून में कीमत 120 रुपये है, दाल चना 145, ओपन मार्केट में 140 रुपये बिक रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश 265, सरकारी नेखनामे में कीमत 240 रुपये है, दाल मूंग 210, परचून में दाम 125 रुपये है, सफेद और काले चने भी सरकारी नेखनामे से महंगे, ओपन मार्केट में साबुन के दाम भी बढ़ गए, कपड़े धोने वाला साबुन 10 से 30 रुपये फी किलो तक महंगा हो गया, सार्फिन नई कीमतें सुनकर चकरा गए। बढ़ती महंगाई देखकर मुर्गी का मिजाज भी बिगड़ गया, ब्रायलर गोश्त मजीद 15 रुपये महंगा, 338 रुपये किलो का हो गया, 2 रोज में मुर्गी के दाम 29 रुपये बढ़े, सब्जियों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल, अदरक चाइना 300, आलू 48 से सीधा 70 रुपये पर पहुंच गया, प्याज 50, टमाटर 70 रुपये किलो में बिकने लगा, बैंगन 95, मेथी 160 रुपये किलो हो गए। बेवाद औरत इज्जत करें, इंसान इज्जत करें, इन्हों की आवाम की इज्जत करें नहीं, जेड़े होंगे उन्होंने अपने होंगे मतलब दे फोन करें उन्होंने दे दें। तवील कितार, दिन भर का इंतजार, फिर भी खाली हाथ, एहसास प्रोग्राम के तहत रकम के हुसूल के लिए आने वाले दर बदर, मजदूर और दिहाड़ीदार अफराद अमले के खिलाफ फट पड़े, अपनों को नवाजने का इल्जाम, कहा सिफारिशी अंदर चले जाते हैं, बेबस घंटों बाहर खड़े रहते हैं। ये किसका लखते जिगर है, किसका भाई है, किसका बेटा है? न्यू अस्पताल का मुर्दा खाना नामालूम लाशों से भर गया, 2 खातीन समेत 51 लाशें मौजूद, पुलिस तहाल नामालूम लाशों की शनाख्त ना कर सकी, CCPO ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का कहा था, 1% भी पेशरफ्त ना हुई। छोटा मच्छर बड़ी तबाही मचाने लगा, डेंगू के डसे 153 नए मरीज सामने आ गए,
सरकारी अस्पतालों में जेरे इलाज मरीज 182 हो गए। जनरल अस्पताल में 7 रुकनी क्लिनिकल कमेटी कायम। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ताहिर सिद्दीक कन्वीनियर मुकरर। प्रोफेसर फहीम अफजल, डॉक्टर इसरारुल हक तूर, डॉक्टर मोहम्मद मकसूद, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, डॉक्टर शुमाइला ताहिर और डॉक्टर आसिफ जावेद कमेटी में शामिल। उधर डेंगू सर्विलेंस टीमें लार्वे की खोज में निकल पड़ी। गली मोहल्लों में तलाश, 1322 मुकामात से लार्वा मिला, मौके पर तर्क कर दिया गया। भागा टाउन में गफलत बरतने पर एक घर और फैक्ट्री सील कर दी गई। कोरोना की चौथी लहर में कमी, शहर में 257 नए केस रिपोर्ट, एक मरीज जान से गया। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड। 12 साल से जायद वालों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। शहरी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, तिबी माहरीन का मशवरा। मियां नवाज शरीफ को फिर टीका लग गया। इस बार वैक्सीनेशन नारोवाल में हुई। साइनोवैक के बाद कैंसाइनो की सिंगल डोज लगाई गई। रिकॉर्ड में नई एंट्री पर महकमा सेहत परेशान। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। सुबह वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जारी वैक्सीनेशन का इंदराज साजिश करार दे दिया। पानामा लीक्स के बाद पेंडोरा पेपर्स, सियासत में एक नई हलचल। ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों की छानपटक। विफाकी हुकूमत ने FPR को काम पर लगा दिया। इनकम टैक्स गोशवारों के साथ वेल्थ स्टेटमेंट का भी जायजा। 2 हफ्तों में रिपोर्ट देना होगी। DHA को सरसब्जो शादा बनाने का मिशन। एक इनाल और जायद के घरों पर रूफटॉप गार्डन बनाने की इजाजत। छत पर 4 फुट से ऊंचे पौधे लगाने की इजाजत नहीं होगी। पुख्ता सिटिंग एरिया भी नहीं बनेगा। PIA ने कुवैत के लिए दोबारा ऑपरेशन का आगाज कर दिया। लाहौर से भी हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। कुवैत ने पाकिस्तानी जहाजों और पायलट्स पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर रखी थी। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तकरीरी के लिए पॉलिसी 15 साल बाद तब्दील। एक ही जगह 3 साल से तैनात प्रिंसिपल्स का तबादला होगा। डायरेक्टर कॉलेजेस और डेप्टी डायरेक्टर के लिए भी 3 साल पॉलिसी लागू। पहले फेज में डायरेक्टर और डेप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के तबादले। महकमा सुई गैस में 30 घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। तनख्वाहों कीमत में खजाने को लाखों का नुकसान। मुलाजमीन को करप्शन पर ब्लैकलिस्ट किया गया। जून में नौकरी से फारिग हुए। अभी तक तनख्वाहों का सिलसिला जारी था। महकमे को खुफिया हाथों की तलाश। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने छानबीन शुरू कर दी। LDA की मॉडल टाउन लिंक रोड पर कार्रवाई। 7,30,00,000 की अदम अदायगी पर 17 जायदादों को सर्वमोहर कर दिया। नेशनल ड्राई क्लीनर, अक्रम एसोसिएट, हारिस टायर, जवाद फैब्रिक समेत दीगर जायदादें शामिल। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 3 असदुजमान ने कार्रवाई की। हमें भी पासिंग मार्क्स दें, हमें भी पास करें। टेक्निकल कॉलेज दुबई चौक के फेलशुदा तुलबा का कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा। हुकूमत ने इंटर और मैट्रिक के तुलबा को 33 नंबर देकर पास करने का कहा था। रिवायती फाइलों की छुट्टी। पंजाब काबीना भी डिजिटल हो गई। वुजरा को काबीना इजलास का एजेंडा टैब पर फराहम किया जाएगा। मंजूरी भी ऐसे ही होगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कागज की बचत होगी। सालाना हजारों रुपए बचेंगे। गवर्नर पंजाब से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह की मुलाकात। मसले कश्मीर, फलस्तीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत। चौधरी मोहम्मद सरवर खसूसी तैयारे से सऊदी अरब चले गए। 3 रोजा क्याम शेड्यूल। यूरोपीय ममालिक का दौरा भी करेंगे। चौधरी परवेज इलाही कायम मुकाम गवर्नर बन गए। इंसानियत की खिदमत में ही अजमत है। फलाही इदारे दुखियारों की मदद के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। फलाही सरगर्मियों की हमेशा सरपरस्ती की, आइंदा भी करेंगे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की चेयरमैन हलाले अहमद अबरारुल हक से मुलाकात में गुफ्तगू। मेजर रिटायर्ड असरारुल हक भी मौजूद थे। महंगाई का जिन आवाम के लिए वबाले जान। नून लीग ने हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी को आड़े हाथों लेने का फैसला कर लिया। यूनियन काउंसिल की सतह पर एहतजाजी कैंप का आगाज। UC 104 नियाजी अड्डा पर कैंप लगाया। राणा मशहूद अहमद, मलिक शब्बीर, हाजी जमीर, मलिक जेशान, गजाला निजामुद्दीन, नजमा बुखारी और दीगर की शिरकत।
पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने का मिशन, समीना खालिद गुरकी से लेडी वर्कर्स की मुलाकात, तंजीम साजी में शामिल खवातीन में नोटिफिकेशन तकसीम, नरगिस खान, सगीरा इस्लाम, तस्नीम चौधरी भी मौजूद थी। नशा और अद्वियात की रोकथाम, मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत अफसरान की बैठक, CCPO गुलाम महमूद डोगर, जिले इंतजामिया के अफसरान और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के अराकीन की शिरकत। DC लाहौर की जेर सदारत सस्ती चीनी पर अजलास, शुगर डीलर्स की शिरकत, चीनी की 90 रुपए फी किलो फरोख्त और हिकमत अमली पर बातचीत, उमर शेख चट्ठा ने कहा लाहौरियों को चीनी मुकर्रर नरखों पर ही मिलेगी। वफाकी मुहतसिब ताहिर शहबाज का सूबाई मुहतसिब ऑफिस का दौरा, मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान से मुलाकात, महकमे में इस्लाहात और आवाम की शिकायत के फौरी इजाले पर बातचीत। SSP ऑपरेशंस लाहौर इस्माइल खाड़क ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, लाहौर को अमन का शहर बनाने का आजम, इस्माइल खाड़क DPO कसूर, DPO ननकाना समेत दीगर अहम ओहदों पर फायज रहे। चीन के काउंसल जनरल की PTI सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट आमद, सेनेटर एजाज चौधरी से मुलाकात, चीन के कौमी दिन की मुनासबत से केक काटा गया, नासिर सलमान, इश्तियाक मलिक समेत दीगर अराकीन भी मौजूद थे। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर अब्दुल रजाक का तबादला, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रियाज हफीज को MS का इजाफी चार्ज मिल गया, स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने जनरल अस्पताल का अचानक दौरा किया, सफाई सुथराई और इंतजामी अमूर से नाखुश थे। YDA जिना अस्पताल का इंतखाब, नौजवान डॉक्टर्स ने डॉक्टर नवीद अहमद को अपना रहनुमा चुन दिया, डॉक्टर नवीद अहमद 559 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए, डॉक्टर उमर शाह 454 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, 1460 में से 1047 वोट कास्ट हुए, 34 मुस्तरद कर दिए गए। डॉक्टर आसिफ रजा ने रेक्टर UMT का ओहदा संभाल लिया, सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने इस्तकबालिया दिया, डायरेक्टर जनरल आबिद शेरवानी, साबिक रेक्टर डॉक्टर मोहम्मद असलम, डॉक्टर मुजाहिद कामरान, रजिस्ट्रार सलीम अता समेत दीगर शख्सियात की शिरकत।